कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई लड़की पटाने का भी कोई फॉर्मूला होता ना तो मज़ा आ जाता, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वन होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ऐसे बंदी सेट करने का भी कोई फॉर्मूला होता तो मज़ा नहीं आ जाता। तुम्हारा भाई लेकर आया बंदी सेट करने का फॉर्मूला, और फॉर्मूले का नाम है 3C। अब 3C क्या होता है, क्या इसमें कोई हम एल्गोरिदम लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। 3C हमने इसलिए कहा है कि तीन चीज़ें हम आपको बताएंगे जो शुरू होती हैं सी लेटर से, ताकि जो आपको सोचने में समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, और अगर आपने इन 3 C's पे फोकस कर लिया, सीख लिया, भाई दुनिया की कोई ऐसी बंदी नहीं होगी जो तुमसे इम्प्रेस नहीं होगी। पटे ना पटे, भाड़ में जाए, इम्प्रेस ज़रूर होगी भाई। बंदी एक बार को ये तो कह देगी कि लौंडे में दम तो है, अपने बंदे तक को छोड़ने पे आ जाएगी अगर आपने ढंग से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया। कौन सा फॉर्मूला है? स्टार्ट करेंगे पहले सी से। पहला सी है क्रिएटिविटी। जब भी आप बंदी को पटाने के लिए जाते हो तो आपके पास क्रिएटिविटी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे लड़के बहुत पड़े हैं उस लड़की को पटाने के लिए, ठीक है। अब हर एक लड़का अगर सेम चीज़ अप्लाई करेगा, सेम तरीके से अप्लाई करेगा, तो बंदी हो जाएगी बोर, और बंदी को समझ में आ जाएगा कि ट्रिक क्या खेली जा रही है। तो आप कितनी ही लव जेम्स की वीडियो क्यों ना देख लो, आप ही तो देख नहीं रहे हो, आपके साथ साथ बाकी बंदे भी देख रहे हैं, और हो सकता है दो चार लड़कियां भी देख रही हों। और गलती से अगर वही बंदी मिल गई और वही बंदा मिल गया जिसने लव जेम्स की वीडियो देखी है, तब तो भाई वहां पर हो जाएगी पूरी किरकिरी, वहां पर हो जाएगी बेइज्जती। तो अपन को क्रिएटिविटी के साथ चीजें अप्लाई करनी है। क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है कि जब आप लड़की को पटाने के लिए जा रहे हो तो सेम ऑर्थोडॉक्स चीजें जो ओल्ड स्कूल मेथड है उससे मत जाओ, कि बंदी को आपने देखा, कहीं से आपने नंबर चुरा लिया, उसकी इंस्टा आईडी मांग ली और बात करने की कोशिश करने लगे। इंस्टा आईडी देने से क्या हो जाएगा? लोग बोलते हैं कैन आई हैव योर इंस्टा आईडी, लाइक इफ शी रियली गिव्स यू द इंस्टा आईडी, व्हाट वुड यू डू? क्या कर लोगे? क्या घंटा कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जब बंदी बात ही नहीं करना चाहती तो भाई वो अगर तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देगी ना, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। इंस्टा आईडी लेना, व्हाट्सएप नंबर लेना, बात करना, कैन वी बी दी फ्रेंड्स, कैन आई टॉक टू यू, ये फलाना ठिमकाना चीज़ है, इनसे कुछ नहीं होता भाई। बंदी के साथ क्रिएटिविटी के साथ बातें करना सीखो, ठीक है। और क्रिएटिविटी से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि रचनात्मकता हो, से मेरा मतलब है कि आपके पास कुछ टैलेंट भी होना चाहिए जिससे कि बंदी इंप्रेस हो पाए। और मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपके पास पैसा और आपके पास लुक्स नहीं है ना, तो आपके पास टैलेंट का होना बहुत 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 आवश्यक है, अदरवाइज आप कभी बंदी सेट नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। हाँ, आपके पास पैसा है और आपके पास लुक्स भी हैं, तो पहली बात तो आप वीडियो देख नहीं रहे होते, फिर भी आप वीडियो देख रहे हो तो यार आपको कुछ खास टैलेंट वैलेंट क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। जाओ यार, मतलब अपनी गाड़ी दिखा देना, अपना फ़ोन दिखा देना, ठीक है, बंदी इंप्रेस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। स्टार्टिंग में तो इंप्रेस हो जाएगी, बाद में भाई छोड़ के जाए तब तक तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा, है ना, क्या बोलते हो? तो क्रिएटिविटी अपन को लेकर आनी है, नए नए टैलेंट को सीखते रहो, कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहो, जितनी चीज़ें सीखोगे। और लड़कियों को बहुत पसंद आता है कि कोई बंदा अपने पैशन को फॉलो कर रहा है ना, कोई बंदा ऐसा है जो फुटबॉल लवर है और फुटबॉल खेल रहा है, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट या नेशनल लेवल पे भाई फुटबॉल में अगर मचा रहा है ना, क्रिकेट में मचा रहा है, या बहुत अच्छा एथलीट ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा सिंगर ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा डांसर ही क्यों ना हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो जो बड़े लेवल पे कर रहे हो, लड़कियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है। तो कुछ ना कुछ फॉलो करो। जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खूबसूरत ही होती हैं, वो उसके साथ भी बहुत कुछ होती हैं, तभी उनकी रिस्पेक्ट होती है। सिर्फ खूबसूरत होती हैं जो लड़कियाँ, वो सिर्फ और सिर्फ बिकती हैं, बुरा मत मानना, लेकिन वो सिर्फ बिकती हैं, क्योंकि उनके पास स्टेबल रहने के लिए कुछ नहीं होता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो क्रिएटिविटी लेकर आओ। दूसरी चीज़ कि थोड़ा कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। इसे देखो, दो तीन चीज़ हम निकाल सकते हैं, दो तीन मतलब निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप बंदी को पटाने के लिए जाते हो तो स्टार्टिंग में ही सारा भाव मत दे दो। ऐसे समझ के चलो कि आपके पास है ना पूरे 100 रुपये पड़े हैं, 100 रुपये पड़े हैं, ठीक है, और 100 ही रुपये हैं और आपको खर्च करने हैं 10 दिन तक। और आप क्या करते हो कि पहले 2 दिन में ही सारे उड़ा देते हो, 15-15, 20-20, 30-30 रुपये करके। जैसे आपकी सैलरी आती है ना, पहले 10-15 दिन में ही भाई अमीरों वाली फी ले लेते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि पैसे तो बचे ही नहीं भाई, अब क्या करूं? फिर हम करते हैं वेट नेक्स्ट सैलरी का, और अगले महीने भी यही किस्सा शुरू हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि धीरे धीरे आपको खर्च करने हैं, क्योंकि जो आपके पास भाव है ना लड़की को देने के लिए, वो बहुत सीमित मात्रा में है। हद से ज़्यादा भाव दोगे, बंदी सर पे चढ़ जाएगी, बंदी कूद फान मचाने लगेगी और दिक्कत वाली बातचीत हो जाएगी। तो कभी भी बंदी को स्टार्टिंग में पूरा भाव नहीं देना चाहिए, और इतना कम भाव भी नहीं देना चाहिए कि बंदी ये समझ ही ना पाए कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाव देते रहो,
मगर कंसिस्टेंट बेसिस पे देते रहो, थोड़ी ही बात करो, आधे घंटे ही करो, आधे घंटे तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, मैं कहता हूँ 5-10 मिनट भी करो, लेकिन भाई रोज़ करो, रोज़ करो, रोज़ करो, रोज़ उसके मन में बसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके कॉलेज मतलब उसके क्लास में हो या कॉलेज में, सेम कॉलेज में हो या आस पड़ोस में, कहीं पर भी हो, उसको दिखते रहो, किसी ना किसी तरीके से आप उसको इन्फ्लुएंस करते रहो। हो सकता है कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या आप कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कि न्यूज़ में इतनी ज़्यादा चल रही है, न्यूज़ में एज इन कि आप मान लीजिए कॉलेज में हैं और कोई इवेंट वगैरह हुआ, वहाँ पर आपने मचा दिया, ठीक है, वहाँ पर आप कहीं कॉम्पिटिशन में गए, वहाँ पर आपने मचा दिया और आप भाई बिल्कुल फेम वेम आपका चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बंदी चाहती है कि जिसको अपना बॉयफ्रेंड बनाए वो कुछ हो, ताकि वो कह पाए कि देखो वो है मेरा बंदा। हर एक बंदी इंप्रेस होती है, हर एक बंदा इंप्रेस होता है फेम से। फेम भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम ये चीज़ गलत वे में मत लिया करो कि लड़कियां तो पैसे के पीछे भागती हैं, लड़कियां तो फेम के पीछे भागती हैं, भागती हैं और भागती रहेंगी, इसको मैं और तुम चेंज नहीं कर सकते। ये भी कहना छोड़ देना चाहिए लड़कियों को कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं, लड़कियों की बॉडी चाहिए होती है। यार चाहिए तो उसमें कौन मना कर रहा है भाई, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, मैं नहीं मान सकता। और जो लड़कियां कहती हैं कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की बॉडी चाहते हैं, सिर्फ बॉडी से प्यार करते हैं, तो लड़कियां क्या दिखाना चाहती हैं, समझ रहे मेरी बात? वो खुद अपना क्लीवेज डीप रखेंगी, दिखाएंगी और फिर बोलेंगी कि जो लड़के होते हैं ना वो बस लड़कियों के बूब से प्यार करते हैं। तुम दिखा क्या रही हो, एक्सक्यूज मी, क्या दिखा रही हैं आप, क्या दिखा रही हैं, वहाँ पर क्या है ऐसा? मतलब नाप तोल के तुम्हें ड्रेस व्रेस बनवानी होती है अपनी, उसके बाद फिर ये अकड़ती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, उनकी मर्ज़ी, वो कुछ भी पहने, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जो मर्ज़ी तुम वो करो, बट दोगलापन मत दिखाओ वहाँ पे, ठीक है, डिप्लोमेट मत बनो, समझ रहे हो? मुझे कोई इशू नहीं है, तुम पहनो, छोटा पहनो, बड़ा पहनो, पहनो ना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट मैं एक चीज़ पुट कर रहा हूँ कि लड़कियों का दोगलापन हमेशा रहेगा और लॉन्डो का भी दोगलापन हमेशा रहेगा। जो लड़के बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट गो फॉर लुक्स, यू नो, मुझे ना लड़की अंदर से अच्छी चाहिए। अरे तुम्हें कुछ लड़की अंदर से नहीं अच्छी चाहिए होती, तुम्हें वही चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, ब्यूटी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। ब्यूटी में तुम्हारी वो तीनों चारों चीज़ें भी आ जाती हैं और सब आ जाता है, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। और सुनो, थर्ड पॉइंट जो होता है सी, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपके पास अदर मीन्स नहीं है बंदी को इंप्रेस करने के लिए। अगर आप बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं हो, या आप किसी बहुत अमीर मतलब बंदे नहीं हो, बहुत कुछ मचा नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, बंदी सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, मनी फकिंग मैटर्स। लोग बोलते हैं पैसा क्या बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बिल्कुल भी नहीं बोलता, पैसा चीखता है, पैसा चिल्लाता है, पैसे का इतना जोर होता है, पैसा कमाओ भाई, बंदियों की लाइन लग जाएगी, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो एनीवे अपन वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा है भी तो भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से हमारा क्या मतलब होता है कि जब भी आप बंदी से बात कर रहे हो तो बंदी को आपके साथ बात करने में मज़ा आना चाहिए। अगर बंदी आपके साथ बात करने में मज़े नहीं ले रही है, वो कभी भी आपसे बात नहीं करने वाली, नहीं करने वाली। फिर मैंने बताया, चाहे आप उसका व्हाट्सएप नंबर ले लो, चाहे आप उसकी इंस्टा आईडी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, अगर आप उसको डेट पे भी लेके जाओगे वहाँ पर भी आप भाई गुड़ गोबर कर दोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आप सीखते हो कम्युनिकेट करना भाई, बंदियों से जो भी तुम्हें बंदी मिल रही हो उसको पकड़ो भाई, बातचीत करना शुरू करो। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने आज तक कितनी लड़कियों से बात किया होगा कॉल पर, मुझे याद ही नहीं है भाई, पता नहीं कितनी ही फिगर्स होंगे, मुझे नहीं पता। और मैंने क्या बातें की हैं क्या, मुझे आज तक खुद को नहीं पता। और इससे क्या होता है, मैं ये चीज़ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्यों अपनी चौड़ दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितना प्रो, नहीं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान बोलते बोलते ही सीखता है बोलना। आप चुप बैठे रहोगे, मन में प्लानिंग करते रहोगे कि मैं ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, आप नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से खेली जाती हैं, कभी भी आप बंदी कॉन्शियस माइंड से नहीं पटा पाओगे। आप कभी भी एक वीडियो देख के कोई बंदी इंप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉन्शियसली सीख रहे हो। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो जब सीख जाएगा तो अपने आप भाई ऑटो सजेशंस क्रिएट करेगा, अपने आप वहाँ पर वो चीज़ें निकल कर नेचुरली आएंगी। तब आपको ये याद भी नहीं होगा कि लव जेम्स ने ऐसा कुछ बताया था, बट वो निकल के आएंगी। जो मैं चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ ना,
ये मेरे साथ हो चुकी है, मैंने ये कहीं पढ़ी होंगी, मैंने कहीं सीखी होंगी, मुझे किसी ने बताई होंगी, पर मुझे नहीं पता मैंने ये कहाँ से सीखी। मैं जब ये कहता हूँ कि भाई लड़कियों को पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लड़कियाँ फिसलती हैं पैसों पे, तो मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि भाई कोई बंदी मुझे छोड़कर किसी एक पैसे वाले लड़के पे गई होगी। मुझे ऐसा याद नहीं है, हालांकि बहुत वैसे तो याद है, पर मुझे याद नहीं है ऐसा कि मैं किस इवेंट को लेके कैप्चर करके चीज़ें बता रहा हूँ, पर ऐसा होता है। मुझे नहीं पता कि मैंने कब कोई अपना छोटा मोटा टैलेंट दिखा के किसी बंदे को इंप्रेस किया होगा, या कब मैं टैलेंट नहीं दिखा पाया हूँ और कोई एक ऐसा टैलेंटेड बंदा मिल गया होगा जो बंदी को इंप्रेस करके ले गया और मैं मुँह ताकता रह गया। मुझे याद नहीं है, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये सारी चीज़ें याद करके बता रहा है कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है और ये चीज़ें हैं। तो कोई भी बंदी हो, मिलके आप बात नहीं कर पाओगे मैं मानता हूँ, लेकिन कॉल पे बात करना सीखो। चैट पे बात मत करो, चैट पे बात करने से आप घंटा कुछ भी नहीं कर पाओगे। चैट पे आप चाहे 4 घंटे बात कर लो, भाई जब कॉल पे बात करोगे आपकी फट जाएगी। भाई मैं एक बंदी से भाई 4-4, 5-5 घंटे बात करता था, भाई 6 महीने तक बात की मैंने, कॉल पे बात की भाई मेरे से बात भी नहीं की जा, आज से बहुत साल पुरानी बात है, मेरे से कॉल पे बात नहीं हो रही थी। हम ऐसे करते, हाँ और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, हाँ सही है सब सही है, समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं भाई जाता ही नहीं चैट पे, भाई चैट गई भाड़ में, सीधे कॉल पे बात करो, कर रही हो तो बताओ, नहीं कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की से चैट पे बात करना छोड़ो, कॉल पे बात करो, करना चाहती तो ठीक भाड़ में जाए। कॉल पे क्या होता है ना, आप चीज़ें समझ पाते हो, आप बहुत अच्छे से लड़की को जान पाते हो, और कुल मिला के बंदी पटे ना पटे भाड़ में जाए हमें सिखा के ज़रूर जाती है कि बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख पाते हो। मैं भी इतना फटाफट बोले जा रहा हूँ क्या मैं रट के आया हूँ? नहीं। क्या मुझे पता है मुझे क्या बोलना है? बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, पर हाँ ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फालतू बोलता हूँ। भाई वो चीज़ें धीरे धीरे आप जब सीखते हो ना, तो स्टार्टिंग में फालतू बोलते हो, फिर कम फालतू बोलते हो, फिर और कम फालतू बोलते हो, मतलब समझ रहे हो ना कि आपकी जो क्वालिटी है कम्युनिकेशन की, वो भाई धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो क्वांटिटी पे फोकस करो, जो मिल रहा है उससे बात करना शुरू करो, जो बंदी मिल रही है उससे बात करना शुरू करो, उसको बोर करो, लड़की को पका दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। 10 लड़कियों को पकाओगे, 11वीं लड़की अपने आप सेट हो जाएगी, क्योंकि तब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। इससे कोई अच्छा, भाई ये बहुत बोरिंग मेथड है, पर यही एक मेथड है। और तुम क्या कर सकते हो, वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं, वैसे ये भी मैंने खुद भी किया और मैं कर भी रहा हूँ ना। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ माइक के सामने और आप लोगों को सुनने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी मैं बोल ही रहा हूँ ना, यहाँ पर भी मेरी प्रैक्टिस ही हो रही है ना, इनडायरेक्टली तो आप लोग सुन ही रहे हो ना। मेरे अंदर ये दबाव है ना भाई कि अगर मैं अच्छे से नहीं बताऊँगा तो आप बोर हो जाओगे, आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप खुद भी क्या कर सकते हो, रोज़ अपने फ़ोन रिकॉर्डर को ऑन करो और अपने पूरे दिन भर की बातें उसमें लिखना, या सॉरी लिखना नहीं, रिकॉर्ड करना शुरू करो। उसके बाद खुद को सुनो, अगर आप खुद की वॉइस को पसंद नहीं करो, आप खुद की बातों को पसंद नहीं करो, आप खुद से बोर हो रहे हो, आप खुद सोच रहे हो कि क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं, बंदी क्यों इंप्रेस होगी भाई, बंदी बोर हो जाएगी आपसे, समझ रहे हो। तो ये 3 चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई? सबसे पहली चीज़, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, टैलेंट को सीखते रहो, नए नए तरीके से लड़की के पास जाओ, और वहाँ पर ऑन द गो ही आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। कोई एक टॉपिक पे बंदी अगर अच्छी अच्छे से बात नहीं करे, इंटरेक्ट नहीं करे, टॉपिक को चेंज करो। अगर आपको लगता है कि बंदी बहुत ज़्यादा ले गई है भाई, उसको मतलब बिल्कुल पागल ही हो गई कि तुमने क्या बात कर दी, बिल्कुल गुस्सा ही हो रही है, टॉपिक चेंज करो, दूसरे पे शिफ्ट मारो। अब ये मैं आपको बताने नहीं आऊँगा या कोई मुझे बताने नहीं आएगा, ये आपको ही सीखना है, या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। सेकंड चीज़, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक बार में ही भाव नहीं देना है, धीरे धीरे भाव दो, धीरे धीरे अपनी स्टोरी सुनाओ, धीरे 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 लड़कियों पे फोकस करो। एक बार में कोई बंदी नहीं पटती, हो सकता हो आपको रिजेक्ट कर दिया, बोलो लव जेम्स चूतिया काट गया, भाई काट गया होगा, लेकिन ये भी तो बता के गया है भाई कि पहले बात करते रहो, धीरे 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 ही आप सीखोगे। आज भी ऐसा है कि भाई मैं किसी बंदी से बात करूंगा, हो सकता है मुझे रिजेक्ट करते हो, बोले क्या बकचोदी फैला रहे हो तुम यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ये कोई शो वाली बात नहीं भाई, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम किसी और लड़की पे जाएंगे। थर्ड चीज़, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, कम्युनिकेशन अच्छी आपको करनी पड़ेगी। और इन 3 चीज़ों के अलावा हर वीडियो में बोलता रहूँगा, पैसा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीथिंग, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ, वेदर इट बी किसी लड़की को पटाना, वेदर इट बी किसी लड़की को ओयो ले जाना, किसी लड़की को गाड़ी में घुमाना, डेट पे ले जाना, सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए, समझ रहे हो। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, और ये ज्ञान ज़्यादा काम का नहीं आएगा अगर आपके पास पैसा होगा। तो पैसा कमाओ। और क्या करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और क्या करना है, और वीडियो को कर देना है शेयर अपने सभी लॉन्डों में, ताकि उनको भी पता लग पाए कि भाई देखो बंदी पटाने का ये मेथड होता है, वो पागलों वाली बातें गई भाई, पुरानी बातें हो गई वो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।